कश्मीर को लेकर आज दिल्ली में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक हुई, लेकिन इस बैठक में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। हालांकि सभी दल इस बात पर सहमत हैं कि देश की संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आतंकवाद के खिलाफ कड़ाई से निपटा जाएगा। बैठक के दौरान गृह मंत्रालय ने ऑल पार्टी डेलीगेशन में शामिल नेताओं के सुझावों को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी दिया। उसके मुताबिक सभी राजनीतिक दल चाहते हैं कि घाटी में साजिश के तहत जो हर सप्ताह हड़ताल की तारीख जारी करते हैं, उन पाकिस्तान के समर्थकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। साथ ही इसमें सिविलियन एरिया में सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम की समीक्षा की भी बात उठी और कुछ पार्टियों ने कश्मीर में अर्धसैनिक बलों और सैनिकों की संख्या घटाने का सुझाव दिया है। वहीं कुछ पार्टियों का ये भी मानना है कि महबूबा मुफ्ती की सरकार कश्मीर हिंसा से निपटने में नाकाम रही। इससे पहले कश्मीर मुद्दे पर सरकार के बीच ही अलग अलग सुर सुनाई दिए, जहां गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने अलगाववादियों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही, तो वहीं सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐसी किसी भी बात पर विचार करने से ही इनकार कर दिया है। कश्मीर में शांति बहाली के प्रयासों के तहत आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन ठोस नतीजा यहां निकलकर नहीं आया है। हालांकि सभी दलों ने आतंकवाद के खिलाफ एक सुर में आवाज जरूर उठाई है। देखते रहिए डीबी लाइव।